हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप अगर ब्लॉग में पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वाला नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, जैसे कि आपके पास वीडियो जाएगा। तो आपको पहले मिलाते हैं हमारा स्टाफ प्रभात भाई। प्रभात भाई से मिलिए, तो ब्लॉग में बने रहिए। आज का ब्लॉग में आपको दिखाएंगे प्रभात भाई के साथ में हम आज क्या क्या काम करते हैं। चलिए बाइक में चलते हैं, आज का काम आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है रोज का। देख रहे हैं आज सुबह का कैसे नजारा है। रात में बहुत जोर बारिश आया था इसलिए रास्ते में धूला नहीं उड़ रहा है, नहीं तो बहुत जोर से धूला उड़ता है। रात में बारिश होने के कारण इतना जाम है, आपको दिखा रहे हैं वीडियो में सारे गाड़ी खड़ा है। आज JSW सेल कोई भी लोडिंग नहीं है इसलिए जितना साइडिंग का गाड़ी है सब रोड में खड़ा है और पूरा जाम करके रखा है, जैसे कि जाने के लिए कोई एम्बुलेंस जा नहीं सकता, इसे जाम किया हुआ है। तो आपको पूरा वीडियो में दिखाते हैं कैसे जाम है। चलिए नहीं नहीं चला बोली गिर आज सुबह का पहला काम हमारा, गाड़ी रास्ता में ब्रेकडाउन हो गया है इसलिए हम लोग आए हैं। ये गाड़ी हमारा क्लोज काम कर नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पे चढ़ नहीं पाया, इसलिए मिस्त्री को लेके आए हैं और काम करवा लेते हैं और ले जाएंगे गैरेज। ब्रेकडाउन हो गया है पोती टूट के, तो दिखाते हैं इसका पोती कैसे टूटा हुआ है और टायर में सट रहा है, तो आपको बैक कैमरा में दिखाते हैं। तो इसको काम करना पड़ेगा रास्ते में, नहीं तो खड़ा हो जाएगा तो बहुत नुकसान है, इसलिए गैरेज में लगा के काम करवा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि पोती कैसे टूटा हुआ है। क्राउन का नीचे का छोटा छोटा पोती टूटा हुआ है, तीन ठूक देख रहे हैं, और टायर भी घिस रहा है। पोती मिस्त्री 1500 रुपया बोल रहा था लोड गाड़ी काम करने का, लेकिन हम लोग बातचीत करके उससे 1000 रुपया में पटा लिए हैं, तो काम करवा लेते हैं। हमारा जो पोती टूटा है उसका नया लेने के लिए आए हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं सारे पोती कौन कौन सा है। ये पार्ट शॉप का नाम है डीके ट्रेडिंग, ये कोयडा का सबसे फेमस पार्ट शॉप है। यहाँ कोई भी गाड़ी का कोई भी सामान कोई भी पार्ट्स यहाँ पर मिल जाता है, आपको अगर कभी ब्रेकडाउन होते हैं तो यहाँ पे आके आप सामान ले सकते हैं अपना गाड़ी काम करवाने के लिए। काम करते करते पूरा शाम हो गया और शाम जैसे हुआ बारिश भी बहुत जोर हो रहा है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर काम करके गाड़ी को नहीं निकालेंगे तो रेक फेल हो गया तो माल साइडिंग जा के फिर रिटर्न आ जाएगा, इसलिए रात भर तुरंत काम करके इसको भेजना है खाली करने के लिए। ये देख रहे हैं एक्सीडेंट वाला क्लिप, जो इस एक्सीडेंट में
ये बड़ा गाड़ी का ही दोष है, जो 14 चक्का गाड़ी है और 10 चक्का गाड़ी दोनों में सामने सामने में एक्सीडेंट हुआ है। ये करीब एक्सीडेंट होने का जो वजह बता रहे हैं यहाँ पे, नींद के चलते ड्राइवर आके सामने में ठोक दिया है, और इसमें दोनों ड्राइवर का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी का बहुत जोर नुकसान हुआ है। तो आपको दूसरा तरफ से दिखा रहे हैं इसमें किसका गलती है। देखिए कि 14 चक्का गाड़ी अपना रोड साइड से पूरा दाहिना तरफ आके ठोका है, ये सुबह सुबह का हुआ है, नींद के चलते आके दाहिना तरफ ठोका है। जैसे कि 10 चक्का गाड़ी अपना साइड में है और 14 चक्का गाड़ी आके 10 चक्का गाड़ी के पास ठोका हुआ है सामने सामने में। इसी तरीके के अगर कोई भी ड्राइवर नींद में रहते हैं तो इस तरह का एक्सीडेंट होता है। अगर आप कोई भी ड्राइवर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो नींद लग रहा है तो आप सो जाइए, उसके बाद चलाइए, आपका भी जान बचेगा और गाड़ी का भी। तो ज़्यादा बोलना क्या चाहूँगा कि ड्राइवर भाई लोग थोड़ा अपना नींद पूरा कर लीजिए, उसके बाद चलाइए गाड़ी। जैसे कि कोई मालिक भी अपना गाड़ी बचाने के लिए ही किया है, आप नहीं तो नुकसान के चलते अपना भी नुकसान हो जाएगा। आज हम आपको दिखाएं कि कोयडा में हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, और रोज़ का यही हम लोग का काम होता है, कोई भी गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ तो उसको काम कराना, कहाँ से सामान लाना है, सारे चीज़ को काम करके गाड़ी को रनिंग में करना है। जैसे कि रोज़ का ब्रेकडाउन होता है, रोज़ काम करना पड़ता है, यही सब रोज़ का काम होता है। और एक चीज़ आप लोग को दिखाए कि रोड में कैसे एक्सीडेंट हुआ और दोनों गाड़ी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यही बोलना चाहता हूँ इस गाड़ी में जो एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में, कोई भी ड्राइवर अगर आपको नींद आ रहा है तो आप सो जाइए, उसके बाद चलाइए। अगर नींद में चलाते हैं तो अगर ड्राइवर भाई का कुछ हो जाता तो अपना भी नुकसान है और गाड़ी मालिक का भी नुकसान है। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी ड्राइवर भाई लोग नशा करके चला रहे हैं गाड़ी, वो नहीं कीजिए, नहीं तो अगले चल के इस रोड में जब NH कंप्लीट हो जाएगा तो इस रोड में RTO आएगा और आप लोग इस रोड में चला नहीं पाएंगे। इसलिए इतना बोलना चाहता हूँ कि नशा करके अगर आप चला रहे हैं तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपका भी नुकसान हो सकता है, इसलिए नशा करके नहीं चलाइए। तो और क्या बोलूँगा, आज का ब्लॉग यहाँ से एंड करते हैं। और अगर आप मेरा ब्लॉग में पहली बार आए हैं तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, जैसे कि अगले चल के हम कोई भी वीडियो देंगे तो आपके पास पहुंच पाएगा और आप देख पाएंगे। तो इतना बोलूँगा, वीडियो को इतना तक आप देखे हैं तो एक लाइक कीजिए ज़रूर, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।